शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना के चलते बीते 2 माह से लॉकडाउन किया गया, जिस कारण सभी व्यवहार बंद पड़े हुए हैं। साथ ही शहर की परिवहन व्यवस्था भी बंद होने से स्टार बस के कंडक्टर लोगों का वेतन पिछले 2 महीनों से नहीं हुआ, जिसके चलते शुक्रवार को स्टार बस के कंडक्टरों द्वारा मनपा परिसर में हंगामा किया गया। शहर में कोरोना के चलते लॉकडाउन हुआ, शहर के सभी व्यवसाय बंद किए गए, परिवहन सेवा शहर की बंद हुई ताकि कोरोना का संक्रमण ना बढ़े। ऐसे में स्टार बस के कर्मचारियों को भी घर बैठना पड़ा, क्योंकि बस के पहिए थम गए थे। 2 महीनों से चल रहे लॉकडाउन में काम नहीं तो पैसा नहीं, ऐसा रुख अपनाते हुए मनपा द्वारा स्टार बस के कंडक्टरों को वेतन देना बंद हुआ, जिस कारण इन लोगों पर भूखे रहने की नौबत आ पड़ी है। इसीलिए गुस्साए कंडक्टरों द्वारा मनपा में आज हंगामा किया गया, लेकिन प्रशासन के अधिकारियों द्वारा वेतन देने से साफ मना कर दिया गया। मी कंडक्टर है, पदावर है, आणखी आज मे महिन्याचा शेवटचा दिवस आहे, शेवट होऊन राहिला आहे। आतापर्यंत आमचे पगार टाकलेत नाही आले, पगार कवून नाही टाकण्यात आले, आतापर्यंत कोणाला माहीत नव्हतं। आम्हाला वाटलं की आज नाही उद्या टाकू, ईद सारखी ईद झाली तरी पगार यांनी टाकला नाही। आम्ही पगार मागासाठी युनिटी ऑफिसमध्ये गेलो तर त्यांनी आम्हाला हे एक लेटर दिलं आणि त्याच्यानंतर त्यांनी म्हटलं आहे की बाबा आमच्याकडे तुमचा पगाराचे पैसे नाही आहे, तुम्ही NMC मध्ये जा आणि तिथून जाऊन विचारा। तर आम्ही म्हटलं आमच्याजवळ लिखितमध्ये काही नाही, म्हणून त्याच्यानंतर त्यांनी लेटर दिलं। लेटर घेऊन आम्ही इथे आलो तर आम्हाला जे इथचे अधिकारी साहेब आहे तर ते म्हणे की कमिशनर साहेबाकडून आम्हाला परमिशन नाही आहे म्हणे। जे काही लोक आपत्कालीनमध्ये सेवा देऊन राहिले म्हणे त्यांच्या आम्ही पगार टाकून राहिलो म्हणे। आता खरंच सांगा, तुम्ही स्टार बसमध्ये राहणारा कंडक्टर म्हणा किंवा ड्रायव्हर म्हणा, सर्व लोकांचा पगार उडाला, फक्त कंडक्टर लोकांचा पगार नाही झाला। चेकर आणखी ड्रायव्हर आणखी जे मेंटेनन्समध्ये आहे त्यांचा पगार टाकण्यात आला, ड्रायव्हर लोकांचा खूप कमी पगार टाकला, पण ते बी आपत्कालीनमध्ये सेवा देऊन राहिले आहे, पण बाकी कोणत्याच लोकांचा पगार नाही टाकण्यात आला। आपत्कालीन स्थितीमध्ये म्हटलं तर ड्रायव्हर ना कंडक्टर असते, पण ते सोडून बाकीच्या सगळ्या चेकर लोकांना सगळ्या लोकांना पगार टाकण्यात आला, फक्त आम्हालाच पगार नाही टाकला। त्याची आपत्कालीनमध्ये सेवा म्हणजे आम्ही ड्युटीवर येऊन राहिलो ना, पण आम्हाला आमची ड्युटी देऊन नाही राहिले ना ते लोक, आम्ही ड्युटीवर येऊन राहिलो पण आम्हाला ड्युटी देण्यात नाही येऊन राहिली ना। आणखी लॉकडाऊनमध्ये माननीय नरेंद्र मोदीजीने बी म्हटलं होतं, उद्धव ठाकरेंजीने बी म्हटलं होतं की जे काही लोकांचा पगार आहे 1 महिन्याच्या 2 महिन्याच्या 3 महिन्याच्या लॉकडाऊनमध्ये तो पगार पूर्ण टाकण्यात येईल। जेव्हा सरकार केंद्र सरकार आणखी सर्व वरतून पैसा येऊन राहिला तर आमच्या अकाउंटमध्ये पैसा काउंट नाही होऊन राहिला। आता उपास मारायची आमच्यावर नोबत आली आहे म्हणून आम्ही इथपर्यंत आलो, नाही तर आम्हाला लॉकडाऊनमध्ये कोणालाच त्रास द्यायची गरज नाही। आणि काळजी करून सगळ्यांना आम्ही हात जोडून विनंती करतो की आमच्याकडून कोणाला त्रास होणार नाही आहे, फक्त एवढंच आहे की आम्हाला उपाशी मारू नको द्या, एक तर काम द्या पण उपाशी मारू नको द्या, कारण की आम्ही परिवारवाले आहोत। तो दूसरी ओर स्टार बस चलाने का ठेका दिए गए यूनिटी सिक्योरिटी एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के मालिक शेखर आदमने द्वारा भी हाथ खड़े कर दिए गए हैं। उनका कहना है अगर NMC द्वारा कहा जाता है तो मैं इन लोगों को वेतन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मनपा द्वारा विश्वास दिया जाए कि ठेकेदारों को उनके पैसे दिए जाएंगे। मार्च महीने की पेमेंट मैंने पूरी कर दी है, हालांकि मैंने मार्च महीने की पूरी पेमेंट की और मुझे शेड्यूल अनुसार पैसा मिला, उसमें भी मैं 12 लाख के करीबन मुझे पैसा मिला नहीं है। और अप्रैल महीने का पेमेंट जो इनका है, भाई कोई अथॉरिटी नहीं हो, अगर मुझे महानगर पालिका पेमेंट मुझे देती है और उन्होंने अगर मुझे बोला कि भाई अप्रैल महीने का पगार अगर करो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अभी गवर्नमेंट का ही आदेश है कि जो कुछ अभी मेरे को तो पूरा नहीं पता, लेकिन मैंने अथॉरिटी से चर्चा करने के बाद अप्रैल का अभी मैंने लेटर दिया हुआ है यहाँ इनको कि अप्रैल के जो मैंने लेटर दिया है उसके अनुसार मैं करता हूँ या नहीं, और मैंने करने के बाद मेरा पैसा मुझे लौटाएंगे या नहीं, ये यहाँ पे मैंने दिया हुआ है लेटर। यहाँ से जो भी कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ एक ओर राज्य सरकार केंद्र सरकार गरीबों के लिए लॉकडाउन में कई योजनाएं बना रही है, पैकेज घोषित कर रही है, साथ ही किसी का भी वेतन ना रुके यह भी खुद पंत प्रधान द्वारा कहा गया, लेकिन इन्हीं के अधिकारियों द्वारा जिसे दरकिनार किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि मनपा प्रशासन इस मामले में किस तरह रवैया अपनाती है। एक और मनपा आयुक्त अपने सख्त रवैये और डिसिप्लिन के लिए पहचाने जाते हैं, तो क्या ये समस्या सुलझाने में
या इसका हल निकालने में आयुक्त तुकाराम मुंडे किसी तरह का सहयोग करेंगे या नहीं, ये तो अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इन बीसीएन न्यूज नागपुर।